Assalamu alaikum everyone, this is Sajda Sayed with another exciting episode of Scam Show. नाज़रीन, स्कैम शो का मकसद है न्यू टैलेंट को प्लेटफॉर्म देना और उनको प्रमोट करना. आज हमने अपने स्टूडियो में एक ऐसे टैलेंटेड सिंगर को इनवाइट किया है जिनका ताल्लुक पिछले 4 साल से म्यूज़िक से वाबस्ता है. फैसल महमूद, वेलकम टू द शो. थैंक यू मैम. फैसल महमूद, पहले तो ये बताइए कि आप कब से सिंगिंग कर रहे हैं, कितना अर्सा हुआ है आपको? मैम, मैंने सिंगिंग तो मतलब बचपन से स्टार्ट कर दी थी, स्कूल और कॉलेजेस वगैरह में. लेकिन बकायदा मैंने जो है सिंगिंग का आगाज किया है 4 साल हो गए. 4 साल हो गए. अभी तक तो कितने कॉन्सर्ट किए हैं, कितने एल्बम्स आए हैं, कितने सॉन्ग्स आपके आए? मैम, मेरे 6 सॉन्ग आ गए हैं. उसके अलावा कॉन्सर्ट तो बेतहाशा किए हैं मैंने, काफ़ी मतलब रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, मुल्तान में. अच्छा. चकवाल, मतलब काफ़ी पूरे पाकिस्तान में आपके कॉन्सर्ट्स हुए हैं. ठीक है. अच्छा, फिर ये बता दें कि एक नए सिंगर को पाकिस्तान में किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? इतना टैलेंट है हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में, जिनके पास वसाइल नहीं होते तो वो दब के रह जाता है. तो मैं कहता हूँ कोई अकेडमीज वगैरह होनी चाहिए, ऐसा वो होना चाहिए कि उस वजह से ना मतलब न्यू टैलेंट, ये नहीं कि सिर्फ सिंगर ही को, बाकी मतलब कोई भी किसी फील्ड में अगर टैलेंट रखता है तो उसमें अकेडमीज उसकी होनी चाहिए और उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए हुकूमती सतह पे. आपको पर्सनली किन एज अ सिंगर किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा? मैम, मुझे भी यही जो मैंने बताई है यही प्रॉब्लम थी जो मैंने सॉल्व. सिंगिंग में कोई आइडियल है आपका? सिंगिंग में मैं लेजेंड को सुनता हूँ, मैडम नूर जहाँ को, उसके अलावा मेहदी हसन साहब को, उसके अलावा गुलाम अली साहब को, मतलब ये मेरे फेवरेट है. म्यूजिक जो है वो एक आर्ट है. ठीक है, जिसमें सिंगर जो है पिच को, रिदम को और डिफरेंट म्यूजिक के साउंड के डायनामिक्स को कंट्रोल करता है. ये बहुत मुझे एक साइंस लग रही है. इनफैक्ट आपने जब सिंगिंग स्टार्ट की या स्टार्ट करने से पहले आपने किसी प्रॉपर क्लासेस ली थी या कोई एकेडमी ज्वाइन की थी? मैम, स्टार्टिंग पे तो मैंने मतलब मेरी वैसे ही नेचुरली आवाज थी, तो उसके अलावा जब मैंने मतलब बकायदा सिंगिंग का आगाज किया मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि इसकी तरफ बकायदा तवज्जो दो, तुम्हें साथ सीखना भी चाहिए. फिर मैंने मतलब सीखना शुरू कर दिया, साथ साथ अभी मैं सीख भी रहा हूँ. सिंगर का आवाज़ से कितना ताल्लुक है कि मतलब एक सिंगर की अच्छी आवाज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल अगर हम देखते हैं तो कंप्यूटर्स या जो टेक्नोलॉजी के थ्रू लोग अपने वॉइस चेंज कर देते हैं, आप कुछ भी कर सकते. आवाज़ तो मैम बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि आप देखेंगे कि एक सॉन्ग है मतलब जो आज कल का रैप या इस टाइप का आता है वो कुछ दिन नहीं चलता, फिर लोग उसको भूल जाते हैं. लेकिन अगर वॉइस अच्छी होगी सिंगर की मतलब वो सदा बहार सॉन्ग चलेंगे. अब आप हमारे वो ओल्ड सिंगर को ही ले लें, मेहदी हसन खान साहब हैं, मैडम नूरजहान हैं, मेहनाज साहब हैं, उनके मतलब उनको ले लें तो उनकी जारी बात है आवाज़ अच्छी थी, तो इसी वजह से वो अभी तक चल रहे हैं, लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं. उनके ओल्ड सॉन्ग जो हैं वो न्यू सिंगर वही रिमिक्स करके तो गा रहे हैं. तो आपका, आपने जिस तरह म्यूज़िक की बात की, आप कौन सी म्यूज़िक की कौन सी फील्ड को, रैप को या रॉक को या क्लासिकल को, किसको ज़्यादातर आप प्रेफरेंस दे रहे हैं, आप गाते हैं? मैं तो ज़्यादातर पॉप को ही दे रहा हूँ और साथ साथ मतलब क्लासिकल भी मैं कर रहा हूँ. जो पॉप को दे रहे हैं उसकी मतलब क्लासेस वगैरह भी ले रहा हूँ. अच्छा, क्लासेस कहाँ पे, यही पिंडी इस्लामाबाद में लेते हैं या कहाँ? में इजीली मिल जाती है. अच्छा, आपको क्लासेस मिल जाती है लेने के लिए. अच्छा, तो आप हमारे नाज़रीन के साथ थोड़ा सा पॉप शेयर करेंगे? तेरी अखा ने बलोरिया, तेरे गोरे गोरे गाल, तेरी ये शोख जवानी जिवें सोनी हीर सयाल, मेरे मन को जलाए, मेरे होश उड़ाए, तेरी ये मस्तानी चाल चाल. जब से तू दिल में समाने लगी है, याद तुम्हारी सताने लगी है, नींदे मेरी तू चुराने लगी है, सपनों में अपना बनाने लगी है, करने लगी मेरा जीना मुहार. तेरी अखा ने बलोरिया, तेरे गोरे गोरे गाल, मेरे मन को जलाए, मेरे होश उड़ाए, तेरी ये मस्तानी चाल. वेरी गुड. अच्छा, जिस तरह आपने गाया, म्यूजिक वाकई में आपके ब्रेन या आपके इमोशंस की तर्जुमानी करता है? बिल्कुल. क्या बैकग्राउंड में कुछ होता है इसके? मतलब कहा जा सकता है, होता भी है और नहीं भी होता. अक्सर सिंगर तो आजकल आपको पता है वैसे मतलब गा रहे हैं,
तो किसी किसी को कोई आपके दुख बैकग्राउंड में क्या नहीं, है? मेरे में कुछ नहीं है, मैं आपके वैसे बैकग्राउंड में कुछ नहीं है? वैसे ही गा रहा हूँ। अच्छा, तो जिस तरह आपने अपने आइडियल की बात की, जैसा कि मैंने कहा कि आपके बैकग्राउंड में कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, आपकी सक्सेस या म्यूजिक के पीछे किसका हाथ है? मेरी सक्सेस के पीछे मेरी वालदा साहिबा की दुआओं का, और मेरे एक भाई हैं राशिद, उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। प्लीज। उन्होंने मुझे काफ़ी प्रमोट किया, मतलब स्टार्टिंग में आपको पता है कि फैमिली की तरफ से रोक टोक होती है, तो मुझे भी यही रोक टोक थी, लेकिन मेरे भाई ने चोरी छुपे मुझे मतलब इस फील्ड में लेके गए, साथ साथ मतलब मेरी काफ़ी हेल्प की, मुझे कॉन्सर्ट वगैरह पे लेके जाते, अच्छा, मतलब म्यूज़िक से रिलेटेड सारी उन्होंने मेरी हेल्प की, तो आज मैं आप सबके सामने हूँ। आपने रोक टोक की बात की, क्या फैमिली होती है, सोसाइटी है, क्या क्या इश्यूज है? मतलब लोग तो म्यूजिक तो सुनते हैं, बिल्कुल, रोक टोक कौन करता है? रोक टोक जहरी बात है, मतलब फैमिली की तरफ से होती है, तो हमारी फैमिली में मतलब वो एक मजहबी फैमिली थी, तो ठीक उसमें है। म्यूज़िक का इतना नहीं था, तो इस वजह से फिर मुझे काफ़ी मतलब मुश्किलात का सामना करना पड़ा फैमिली की अच्छा, तरफ कुछ से। अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कॉन्सर्ट्स का ट्रेंड ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था पिछले जी चंद सालों बिल्कुल, में। आपके कॉन्सर्ट में कितना क्राउड देखने को मिलता है? कॉन्सर्ट में मैम काफ़ी क्राउड होता है, मतलब काफ़ी लोग आते हैं, फैंस वगैरह काफ़ी हल्ला गुल्ला होता है उधर। हमारी जो सोसाइटी है वो म्यूज़िक शोबिज़ को जनरली एज अ टैबू है। आप क्या समझते हैं कि मतलब कि इस टैबू को कैसे ख़त्म किया जाए? मैम इनको मेरे ख्याल में तो मतलब बंदा अच्छा काम करे, अच्छा मतलब दे, क्योंकि आजकल आपको पता है सॉन्ग भी कुछ ऐसे चल रहे हैं जिनकी वजह से काफ़ी वो मतलब इसका लोग भी इतराज़ करते हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छा काम मिले उनको, अच्छी चीज़ मिले, तो कोई इतराज़ नहीं करेगा, और बल्कि वो खुशी से अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ को। तो मेरे ख्याल में तो अच्छा काम अगर हो, हमें हम सिंगर्स को चाहिए या मॉडल्स या कोई भी किसी भी फील्ड से रिलेटेड है मीडिया की, तो वो अच्छा काम देंगे मतलब सही, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई इसको इतराज़ करे। अच्छा, अगर हम अपने म्यूज़िक की बात करते हो, हम अपना ज़्यादातर कंपैरिजन अपने पड़ोसी मुल्क से करते हैं। आप जी क्या समझते हैं कि हमारे पड़ोस मुल्क में बहुत ज़्यादा म्यूज़िक पे काम हो रहा है, हमारे यहाँ कितना हो रहा है? वहाँ पे ठीक है काम हो रहा है, लेकिन हमारा वो पाकिस्तान जो है वो उनसे काम नहीं है, यहाँ पे भी अब काफ़ी मतलब चेंजिंग्स आई हैं, काफ़ी तरक्की हो रही है, और अब यही देख लें कि वो हमारे सिंगर को बुलाकर उधर बिल्कुल, उनसे हाँ सॉन्ग वगैरह करवाते हैं मूवीज़ में, या तो जहरी बात है हमारे यहाँ अच्छा काम हो रहा है, या हमारे यहाँ टैलेंट है, या अच्छी आवाज़ें हैं, तो वही बुलाते हैं ना किसी इसी वजह फिल्म से। वगैरह से ऑफर आई है म्यूजिक के लिए? जी मैम अभी एक मूवी आ रही है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा अभी, अच्छा, मतलब हाई दी है, तो उसमें मुझे एक सॉन्ग की ऑफर किस आई है, किसकी मूवी है? पाकिस्तानी मूवीज है। अच्छा, फैसल साहब, एक दौर था कि लोग रेडियो सुनते थे, ऑडियो कैसेट्स आती थी, बहुत ज़्यादा लोगों को पॉपुलैरिटी उसके थ्रू मिलती थी, लेकिन आजकल के दौर में देखा जाए तो लोग विजुअल इफ़ेक्ट्स को ज़्यादा तरजीह देते हैं। बिल्कुल आप क्या समझते हैं कि क्या किसी भी सिंगर को हिट होने के लिए वीडियो सॉन्ग्स का या वीडियो की रिकॉर्डिंग ज़रूरी है? मेरे ख्याल में वीडियोस लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे अगर मतलब एक सॉन्ग है कोई, वो इतना चला नहीं ऑडियो सॉन्ग, तो उसकी अगर आप वीडियो अच्छी बना लेंगे ना, तो वो सॉन्ग काफ़ी पॉपुलर होगा, अगर मतलब उस वीडियो अच्छी होनी चाहिए, वीडियो लाजमी बनानी आपकी चाहिए। अभी तक कितनी वीडियोस आई है? मेरी एक वीडियो आ चुकी है जो काफ़ी मतलब चैनल्स पे चल भी चुकी है, मैंने रिमिक्स किया था ओ मेरे दिल के चैन, ठीक है, काफ़ी चैनल पे चली है। उसके अलावा अभी एक मेरा सॉन्ग है जिंद माइया, अच्छा ड्यूअल सॉन्ग है मेरा और एक फीमेल सिंगर है कौसर मंजूर। अच्छा ए मेरे दिल के चैन, जरा आपकी आवाज से नहीं सुनते। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, अपना ही साया देख के तुम जाने जहाँ शर्मा गए, अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना आहें भरा कीजिए,
ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। वेलकम बैक। हमारे साथ बैठे फैसल महमूद। अच्छा फैसल महमूद साहब, जब आपने अपने करियर का आगाज़ किया, आपको अपने सिंगिंग करियर में किस सिंगर ने या म्यूजिशियन ने, सीनियर सिंगर या म्यूजिशियन ने सपोर्ट किया है? म्यूज़िक की फील्ड में मुझे मेरे जो उस्ताद साहब हैं, खालिद अवान साहब हैं, उन्होंने काफ़ी मेरी हेल्प की इसमें। मतलब ठीक है। मुझे काफ़ी सुर ताल में भी मदद की, मुझे सिखाने में भी। ये है कि मैं सीख तो रहा हूँ साथ साथ, लेकिन काफ़ी हेल्प की उन्होंने मेरी इसमें। खालिद अवान साहब नाम है उनका। अच्छा फैसल साहब, आप ये बता दें कि हमारे मुल्क में हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री को कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या कितना टाइम लगेगा उसको एक अच्छी म्यूज़िक इंडस्ट्री बनने में? जहाँ तक मेरा ख्याल है, देखा जाए तो अभी हमारी जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है काफ़ी मतलब ऊपर लेवल पे आ गई है। एक वो दौर था, मतलब उस टाइम है था काफ़ी उनको ज़रूरत थी मेहनत की। लेकिन अभी आप देख लें पाकिस्तानी सॉन्ग वगैरह सिंगर को देख लें, या मूवीज़ के वो सॉन्ग देख लें, काफ़ी हिट जा रहे हैं और चल रहे हैं काफ़ी। तो मैं कहता हूँ कि इतनी अभी ज़रूरत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में म्यूज़िक इंस्टीट्यूट्स या एकेडमी की किल्लत है? कोई प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे न्यू कमर्स जाके सीखे, म्यूज़िक सीखे? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत कम है एकेडमीज़ वगैरह म्यूज़िक की। तो हुकूमती सतह पर एकेडमीज़ भी होनी चाहिए और ऐसा उनको मतलब प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना चाहिए, जिस पे आकर जो टैलेंट है मतलब हमारे यूथ में उनको आगे करना चाहिए। फैसल महमूद साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। जाते जाते आप हमारी यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं यूथ को ये मैसेज देना चाहूँगा कि मेहनत से काम करें, दिल लगा के लगन से काम करें, अपने काम के साथ मुखलिस रहें, क्योंकि जब आप अपने काम के साथ मुखलिस रहेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये थे फैसल महमूद। उम्मीद है आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। हमें लिखना मत भूलिएगा। हमारा ईमेल एड्रेस है ayutv3@gmail.com, या आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ayut.tv पे। इसी के साथ अपनी होस्ट सादत सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।